बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे व्यूअर्स। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे फ्रूट की एक मंडी है जिसमें मैं आज शॉपिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आपके साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो मेरे बैमर सिस्टम मेरे चैनल पर आ रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने पाकिस्तान की मंडी तो देखी होगी, जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, आज आपको स्पेन की मंडी का मैं विज़िट कराता हूं और आपको बताता हूं यहां पर लोग कैसे शॉपिंग करते हैं और इनका तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले काश्तकार की बात करें तो स्पेन सबसे ज़्यादा जो फ्रूट काश्त करता है वो है ऑरेंज। इसके अलावा एप्पल्स हैं, पियर्स हैं, बनाना, एप्रिकॉट्स, प्लम्स, चेरीज और नट की काश्त भी की जाती है। अगर व्यूअर्स सब्जियों की बात की जाए तो टमाटो है, बेल पेपर्स हैं, ऑनियन है एंड गार्लिक स्पेन में काश्त किए जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे जितनी भी शॉपिंग करते हैं लोग, उनका उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें, आपने देखा होगा कि ये जो फ्रूट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा है, इन्होंने रखा होता है आगे। तो आगे आपने आकर उसको ऑर्डर लिखाना है अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर सेब लेना है तो आप पहले रेट पूछेंगे किस तरह किलो, वो आपको बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 यूरो किलो है, तो फिर आपने 2 पेटी या 3 पेटी कह देनी है। तो वो फिर आगे आपने चले जाना मज़ीद, अपनी मज़ीद जो आपने और शॉपिंग करनी होती है तो वो कंप्लीट करनी है। जब आपने ये सारी शॉपिंग आपने कंप्लीट कर लेनी है तो फिर आपने जहाँ जहाँ अपना ऑर्डर लिखवाया होता है वहाँ वहाँ आपने वापस आके अपना ऑर्डर क्लिक करना होता है पे करके। तो तरीकाकार काफ़ी अच्छा है और सिंपल भी है। तो वीवा ये बनानाज आ गए हैं, देखिए बनाना में। तो वीवा ये है कारो या रेडी कह लें, जो जिसके अलावा बहुत ही मुश्किल है सामान क्लिक करना, क्योंकि बहुत सारी काफ़ी बड़ी मंडी है तो हर जगह से उठा उठा कर बंदा हाथ में नहीं ले जा सकता। तो ये हर शॉप पर इन्होंने अपनी अपनी रखी हुई हैं, इससे लोग फ़ायदा उठाते हैं और सामान लेकर जाने लोड करते हैं और वापस भी वहीं पर रख देते हैं। तो व्यूअर्स, ये सब्ज़ियाँ आ गई हैं, फलियाँ देखें 2 किस्म की, बड़ी और छोटी। तो व्यूअर्स, ये टमाटर है, टमाटर में साथ अंगूर हैं, ग्रेप्स, टमाटर भी है। यहाँ टमाटर 3-4 किस्म के पाए जाते हैं और काफ़ी अच्छा टमाटर है स्पेन का। तो भी टमाटर स्पेन अंदलुसिया में काश्त किए जाते हैं। अंदलुसिया एक सूबा है स्पेन का, जिसके बहुत से इलाकों में यहाँ टमाटर की काश्त की जाती है। व्यूअर्स, ये आगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी यहाँ 3-4 किस्म की पाई जाती हैं। व्यूअर्स, बैंगन आ गए, बैंगन में भी 2 किस्म के यहाँ पाए जाते हैं। व्यूअर्स, इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये व्यूअर्स अमरूद आ गए, तो अमरूद तो सबकी फेवरेट्स हैं, अमरूद काफ़ी दिल कर रहा है खाने को। और सबसे मज़े की बात है, यहाँ आप आके चीज़ें चेक कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है। यहाँ पे व्यूअर्स ये टमाटर आ गए, चेरी टमाटर इसे कहते हैं, और ये सलाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये व्यूअर्स पुदीना, धनिया, ये अगवा काते आ गए हैं, और ये सलाद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया, ये आ गया पेठा कद्दू। तो आपको पता है हेलोवीन भी के एक फेस्टा भी फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और है जो पेठा कद्दू, ऐसे व्यूअर्स हंडिया भी बनाई जा सकती है, सब्जी भी, और एक इसका हलवा भी बनता है जो काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस होता है। व्यूअर्स, मूलियाँ आ गई हैं, देखिए व्यूअर्स ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने जो बंदे ने ऑर्डर किया हुआ है उनका सामान उन्होंने निकाल के रखा हुआ है, और ऊपर ये चिट लिखी होती है, और वो लोग आते हैं पेमेंट करते हैं और यहाँ से अपना सामान क्लिक करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें कैरेट्स हैं, कैरेट्स 5 किलो का ये होता है पैकेट इसके अंदर, और काफ़ी जूसेस कैरेट हैं। व्यूअर्स, ये देखें इसी तरह इन्होंने हर बंदे का सामान निकाल कर रखा हुआ है, और बहुत ही इजी सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है कि
कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ना तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अगर आपको ख़राब मिलती हैं जैसे भी है, तकरीबन सब तमाम चीज़ें जो होती हैं फ्रूट्स वगैरह वो बेहतर हालत में होता है। ये व्यूअर्स लेमन आ गए हैं, देखें कितना बड़ा बड़ा लेमन है। पाकिस्तान में बिल्कुल छोटे छोटे लेमन होते हैं लेकिन यहाँ पे छोटा लेमन नहीं होता। ये व्यूअर्स छोटे प्याज आ गए हैं, इसने ऑर्डर किया हुआ है तो वो उसके व्यूअर्स यहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई मुझे नज़र आए हैं, तो चलिए मैं उनसे कुछ बातचीत करता हूँ और उनसे पूछता हूँ मंडी के बारे में। जी भाई जान ने बहुत अच्छे सानू गाइड कर रहे ने, इतने काम कर रहे कितना अच्छा तुम भाई जी? 15 साल हो गए तो बहुत अच्छे बंदे ने, इन्होंने प्रॉपर तरीके सानू गाइड कर रहे ने। इन्हों की प्रोडक्ट इन्हों को ज़्यादातर प्याज आलू वगैरह लहसुन सब चीज़ें आदि ने वाइट रेड ते एक और दूसरा सलाद वाला है और सामना जड़े नॉर्मली अफ्रीकन लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा आज जरा फगेरा इन फगेरा क्या जाता है जरा गुलाबी कलर में सही है। साड़ी मेन प्रोडक्ट लहसुन अखरोट और प्याज। पाकिस्तान के इलाके भाई मैं सियालकोट का। बहुत जबरदस्त जी, अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, थोड़ी साड़ी बड़ी मदद की तुसी ते लोगों को कि साढ़े चैनल नू सपोर्ट करन जी। साड़ी भाई यार चैनल नू सपोर्ट करो, लाइक करो और शेयर करो, मेहरबानी शुक्रिया जी। क्योंकि जो भी पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल है, थोड़े सामने नज़र आ रहा होना कितनी मेहनत होती है, तो प्लीज़ परदेसी का ख्याल कराया करो। परदेसी बड़ी मेहनत करते हैं, अपने तो दूर भी रहते हैं, तो हम काम करिए नहीं तो लेट हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, ये है फलों का बादशाह और मेरा फेवरेट और यकीन आप सबका फेवरेट भी होगा। आम का जिक्र हो व्यूअर्स और पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो ये ज्यादती होगी। पाकिस्तानी आम जैसी खुशबू और जायका पूरी दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। हम परदेसी लोग अपने मुल्क की ऐसी चीज़ों को मिस करते हैं। पाकिस्तान की सब्जियों का भी अपना ही टेस्ट है, ख़ास तौर पर सर्दियों की सब्जियों को तो अपना ही जायका होता है। तो व्यूअर यह है जापानी फल जो पाकिस्तान की तरह यहाँ भी 2 माह के लिए आता है, इसके अलावा ये पूरे साल में कहीं नहीं नज़र आता। व्यूअर स्पेन में ऑरेंज वलेंसिया के इलाके में काश्त किया जाता है, यहाँ पर छोटे छोटे माल्टे होते हैं जिनको मदरीना कहते हैं, वो बहुत ही मीठे होते हैं और उनमें बीज भी नहीं होते। माल्टों का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान में मुझे अपना भाई गो सरगोधा याद आ गया है। व्यूअर सरगोधे के माल्टे भी बहुत मशहूर हैं। कभी बस अंगूर हैं, देखिए स्पेन में अंगूर भी काफ़ी तादाद में काश्त किया जाता है और अंगूर ज़्यादातर कतलूनिया सूबा है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ये काश्त किया जाता है और इसका ज़्यादातर सिरका यहाँ पे बनाया जाता है। बस ये नाशपाती है, नाशपाती में भी काफ़ी किस्म है, 3-4 किस्म की नाशपाती यहाँ पर स्पेन के अंदर पाई जाती हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए माल्टा काफ़ी तादाद में पड़ा हुआ है क्योंकि माल्टा ज़ाहिर है सीज़न है माल्टे का और माल्टा पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई होता है और माल्टे में भी 3-4 किस्म की इन्होंने इनकी काश्त की जाती है यहाँ पर। ये व्यूअर्स आड़ू आ चुके हैं, आड़ू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, खून पैदा करता है। तो व्यूअर्स ये माल्टे काफ़ी किस्म के दिखे हैं आपको नज़र आ रहे होंगे और काफ़ी जूसेज हैं और माल्टा तो फिर तो आपको पता है कि सर्दियों में फेवरेट है। तो जी व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और कमेंट्स में मुझे बताइएगा जो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कौन सी उनके फेवरेट कौन सी फल और सब्जियाँ हैं उनका नाम ज़रूर बताइएगा मुझे। तो व्यूअर्स ये बाहर का व्यू आ गया, बाहर का व्यू में देखें आप कम्यून या ट्रक वगैरह आ चुके हैं लोडिंग करने के लिए। 12 बजे से पहले ये ट्रक यहाँ पर इंटर नहीं हो सकते, सिर्फ आप आकर शॉपिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।